हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनी है और बैंक के एक और नए अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बैंक में जमा पर ब्याज की दर घटती जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक अधिकतम से अधिकतम 7% तक का ब्याज दे रहे हैं। इस दौर में RBI पर कुछ ऐसे बैंक हैं जो सेविंग अकाउंट में जमा आपकी फिक्स डिपॉजिट पर 9.5% सालाना की दर से ब्याज दे रहे हैं। आइए जानते हैं कौन से ऐसे बैंक हैं जो 9.5% फीसदी ब्याज दर दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह बैंक सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखने पर 6% तक का ब्याज दे रहा है। वहीं 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करने पे आपको मिलता है 9% तक का ब्याज। वहीं 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर यह बैंक 8% की ब्याज दे रहा है। सीनियर सिटीज़न के लिए यह 8.5% है। इसके अलावा 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम तक के लिए यह देता है आपको 9% की ब्याज। वहीं सीनियर सिटीज़न के लिए 9.5%। इसके बाद बात करते हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह बैंक 1 लाख रुपए तक सेविंग डिपॉजिट पर 4% ब्याज देती है। वहीं 1 लाख से और 10 लाख रुपए के बीच में आपको मिलता है 6.5% का ब्याज मिलता है। इसके अलावा 10 लाख रुपए से ज़्यादा खाते में रखने पर 7% का ब्याज देता है। फिक्स डिपॉजिट पर यह बैंक 9% की ब्याज देती है। वहीं सीनियर सिटीज़न के लिए 9.5% है। इसके अलावा एक और बैंक की मैं बात करता हूँ जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह बैंक सेविंग बैंक अकाउंट पर 3.5% से लेकर 8.35% तक का ब्याज देती है। यही बैंक के खाते में 7 से 28 दिन तक के अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको मिलता है 3.5% के हिसाब से ब्याज। वहीं सीनियर सिटीज़न के लिए मिलता है 4%। वहीं इसी बैंक में अगर आप 91 दिन से लेकर 120 दिन तक पैसा रखते हैं तो आपको मिलता है 5% ब्याज। सीनियर सिटीज़न के लिए यहाँ यह ब्याज बढ़कर हो जाता है 5.5%। वहीं आप अगर 271 दिन से 1 साल तक रखने पर यहाँ आपको ब्याज में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तब यह बैंक आपको 7.5% की ब्याज दर देता है और सीनियर सिटीज़न के लिए 8%। 1 लाख से ज़्यादा सॉरी 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम तक पैसा रखने के लिए यह बैंक आपको 8% ब्याज मिलता है। वहीं सीनियर सिटीज़न के लिए यह देता है 8.5%। उसके बाद इस लिस्ट में आता है बंधन बैंक। बंधन बैंक 7 दिन से लेकर 14 दिन तक पैसा जमा रखने पर भी 3.5% ब्याज दे रहा है। वहीं 15 दिन से लेकर 3 महीने तक अगर आप इसमें अपना पैसा छोड़ते हैं तो आपको 4% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। वहीं 3 महीने से लेकर 6 महीने तक 4.5% ब्याज दे रहा है और 1 साल से लेकर और 2 साल से कम, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 साल से लेकर और 2 साल से कम तक अगर आप इसमें पैसा रखते हैं तो आपको ये बैंक देता है 7.15% ब्याज दे रहा है। तो ये थे कुछ बैंक जो आपको और बैंकों की तुलना में ज़्यादा रेट से आपको इंटरेस्ट पेड करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बैंक से रिलेटेड और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।